उषा देवी की दो बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के दो बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को एक साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ, रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती, तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है, आजकल प्याजी रंग बहुत इन है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभियाँ होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना, तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी। आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी मुझे आइसक्रीम लेनी है, मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो, किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं, आओ देखो जरा मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू, बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ, बिट्टू। चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबरा कर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया, वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, जैसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं।
नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था, मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता, पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो, चलो बिट्टू पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है, उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की, तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो, मेरे राज दुलारी गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी किरण आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू बहुत जोरों की भूख लगी है, नीलम जल्दी से दाल चावल बना लो, और कविता एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल, इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं, मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। भाभी नाश्ता बन गया क्या, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया, लो आलू के पराठे बनाए हैं आज। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा फिर तो। जी करता है कि सारे काम छोड़ूं और आराम से बैठकर बस ये पराठे ही खाता रहूं। तू भी ना, चल अब जल्दी कर। नहीं सच में भाभी आप ना बेस्ट हो। हाँ वो तो है, लेकिन जब रसिका आएगी ना इस घर में तब देखेंगे कि तुम रसिका के गुण गाते हो या फिर मेरे। क्या भाभी फिर वही बात, आप जाओ किचन में और मुझे पराठे पर फोकस करने दो। हाँ देवर और भाभी का बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है, इसमें मान सम्मान भी होता है और हंसी मजाक भी। सरिता की शादी किशोर से हुई थी और राहुल उसका देवर था। किशोर और राहुल की उम्र में 10 साल का बड़ा अंतर था। जब राहुल छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद पहले किशोर ने और फिर भाभी बनकर आई सरिता ने राहुल को अपने बेटे की तरह पाला था। सरिता और किशोर की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना सारा प्यार राहुल पर ही लुटा दिया था। राहुल मजे से पराठे खा रहा था कि तभी किशोर वहां आया। आ भाई क्या बनाया आज? आओ भैया और मिलो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शेफ से, आलू पराठा स्पेशलिस्ट दस सरिता भाभी से। मस्का लगाना तो कोई तुझसे सीखे। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अगले महीने एग्जाम और फिर नौकरी की तैयारी। गुड, आज अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। बस तू जल्दी से अपना काम धंधा शुरू कर, फिर हम रसिका को ले आएंगे पूरी धूमधाम से। क्या यार भैया जब देखो वही बात, आप पराठे खाओ ना और मुझे भी शांति के साथ पराठे खाने दो। अब ये शांति कौन है, उसके लिए भी पराठे पैक करवा दूं क्या? चुप हो जाओ आप दोनों। किशोर के घर में हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक का माहौल रहता था। किशोर एक कंपनी में काम करता था और सरिता घर संभालती थी। माँ बाप के एक साथ चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने किशोर की शादी बहुत जल्दी कर दी थी ताकि वो दोनों मिलकर राहुल का ख्याल रख सके। सरिता भी भाभी नहीं बल्कि माँ के रूप में राहुल का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। राहुल की कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म होने वाली थी। फिर एक दिन कॉलेज में, हाय। ओ हाय रसिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे यार ये तुम मुझे आप क्यों बोलती हो? तो क्या बोलूं? तुम बोलो ना जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ। मैं आपको तुम बोलूं? फिर वही बात। अच्छा खैर छोड़ो, अंकल आंटी कैसे हैं? वो बढ़िया है, आप बताइए भैया भाभी कैसे हैं? हाँ वो भी मस्त है। अच्छा रसिका मैं चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है तो मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है बाद में मिलते हैं, ओके बाय। बाय। रसिका चाहती थी कि राहुल उसे भी अपने साथ फिल्म देखने ले जाए, लेकिन राहुल रसिका से हर वक्त कन्नी ही काटता रहता था। रसिका वहाँ से दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ी। दरअसल राहुल और रसिका के पिता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों ने बचपन में ही रसिका और राहुल की शादी तय कर दी थी।
पर शादी से पहले ही राहुल के माता पिता का देहांत हो गया। लेकिन किशोर और सरिता दिल से चाहते थे कि रसिका ही उनके घर की बहू बनकर आए, इसीलिए वो रसिका का नाम लेकर राहुल को छेड़ते रहते थे। रसिका भी राहुल को ही अपना पति मान चुकी थी। वो कभी कभार जानबूझकर राहुल से मिलने के लिए सज धज कर तैयार होकर कॉलेज आती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन राहुल उससे बचता फिरता था। लेकिन अब जब दोनों बड़े हो गए थे तो शादी की बात भी चलने लगी। आओ आओ किशोर बेटा, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रसिका, ओ रसिका, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे जेठ जेठानी आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रसिका फूली नहीं समाई। वो जल्दी से सिर पर पल्लू रखकर बाहर आई और आकर उसने किशोर और सरिता के पैर छुए। हालांकि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ रसिका, किसे ढूंढ रही हो? जी जी किसी को नहीं, मैं चाय लाती हूँ। रसिका की बात सुनकर वहां सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी किशोर ने कहा, आंटी अब वक्त आ गया है, हमें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां निभा देनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। जिस शुगर ने रसिका के पापा को निकल लिया वही अब मुझे भी मार रही है, अब तो इंसुलिन भी कोई काम नहीं करता है। हिम्मत रखिए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, बस रसिका तुम्हारे घर चली जाए, उसके बाद तो भगवान मुझे कभी भी उठा ले, कोई दुख नहीं। उसी दिन पंडित जी से बात कर शादी की तारीख तय कर दी गई। ये देखकर रसिका की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन घर आकर जैसे ही ये बात किशोर ने राहुल को बताई तो वो बहुत नाराज हो गया और गुस्से से बोला, भैया भाभी मुझे रसिका से शादी नहीं करनी है। ये क्या बोल रहा राहुल, पर माँ बाबूजी की यही इच्छा और मेरी इच्छा का क्या? मुझे रसिका पसंद नहीं है, साफ बात ये है। क्या बुराई है उसमें, सुंदर है, संस्कारी है और। आप समझ नहीं रही हो भाभी, वो सीधी साधी बहनजी टाइप लड़की है, हमारी नहीं जमेगी। देख राहुल, तेरी शादी तो रसिका से ही होगी, वरना याद रखना वो वसीयत वाली बात। वसीयत का नाम सुनते ही राहुल चुप हो गया, उसे झुकना पड़ा और कुछ देर बाद राहुल और रसिका की शादी। रसिका बहुत खुश थी, वो घर के कामों में सरिता का पूरा हाथ बटाती और किशोर की भी बहुत इज्जत करती थी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल अब बहुत चुपचाप रहने लगा था, साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। फिर एक दिन डाइनिंग टेबल पर, राहुल वो वकील साहब आएंगे शाम को, तुम्हारे साइन चाहिए उन्हें 3-4 कागजों पर। अब ठीक है भैया, मैं कर दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। दरअसल किशोर और राहुल के पिता शंभुनाथ एक वसीयत छोड़ गए थे, उसके मुताबिक राहुल को उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उसी दिन मिलेगा जब वो रसिका से शादी करेगा। रसिका से शादी के बाद किशोर ने उसी दस्तावेज के बारे में राहुल से बात की थी। शाम को वकील आया और उसने राहुल से पेपर्स पर साइन भी करवा लिए। अब शंभुनाथ की आधी जायदाद का मालिक राहुल बन चुका था। कुछ दिन बाद एक सुबह जब सब लोग उठे तो रसिका के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो राहुल उसके लिए छोड़कर कहीं चला गया था। उस चिट्ठी में राहुल ने लिखा था कि वो रसिका से शादी करने से पहले एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका था जो पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसने सिर्फ अपने पिता की जायदाद पाने के लिए रसिका से शादी की थी, और अब वो अपना सारा हिस्सा लेकर अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर विदेश जा रहा था। किशोर ने फौरन राहुल को फोन किया, मगर राहुल ने उसका फोन नहीं उठाया, उल्टा ये मैसेज कर दिया कि अब से उसका ना तो रसिका से कोई रिश्ता है और ना ही किशोर और सरिता से। आह, ये क्या किया राहुल, ऐसा कैसे कर दिया तूने? जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, पर ना वो कभी ऐसा नहीं करता। नहीं भाभी, आप अपने आप को मत कोसो, मेरी किस्मत खराब है जो मेरे आते ही ये घर टूट गया। रोती बिलखती रसिका को किशोर और सरिता ने सहारा दिया। राहुल के धोखे की बात रसिका की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। इस बात को कई महीने गुजर गए, अब तो राहुल ने विदेश में जाकर अपना नंबर भी बदल लिया। इधर रसिका ने भी एक ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया, लेकिन राहुल लौट कर नहीं आया। किशोर और सरिता समझ गए थे कि अब राहुल कभी नहीं लौटेगा। फिर एक शाम जब रसिका अपने ऑफिस से लौटी तो वो हैरान रह गई। किशोर और सरिता उसके कलीग हरीश के साथ बैठे थे। हरीश जी आप? हाँ रसिका, हरीश को हमने ही बुलाया है। रसिका, हरीश से हमारी फोन पर बात हुई थी, ये तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं, पर भाभी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया तो तुम कब तक उसके इंतजार में बैठी रहोगी? मैं सिर्फ भाभी नहीं हूँ तुम्हारी, आंटी के जाने के बाद अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और मुझे हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का। तुम बस इतना बताओ कि हरीश तुम्हें पसंद है या नहीं। भाभी
रसिका कोई जवाब तो नहीं दे सकी, लेकिन उसके आंसू उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। उसकी भावनाओं को सरिता ने समझ लिया और फिर, रसिका भले इस घर में तुम मेरी देवरानी बनकर आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। राहुल के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। तुम्हारी शादी हरीश से होगी। मैं और तुम्हारे भैया इस बार तुम्हारा कन्यादान करेंगे। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घर के साथ नाता कभी नहीं टूटेगा। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। इतना कहकर सरिता ने रसिका को गले से लगा लिया। रसिका रोए जा रही थी, लेकिन उसे ये विश्वास भी हो गया था कि अब इसके बाद उसे रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो अनाथ थी। Subscribe viral videos for more updates.